सो बेअदबी मामले दे विरोध च संगतां रोस धरने ते ने जी। हाँ जी देखो ये रोस धरना अज जारी रहा ते इहदे विच हुण देखो गल की है कि गिरफ्तारी तो हो चुकी है जिहड़ा वो दोषी है जिसने इस मंदभागी घटना नूं अंजाम दिता जां कह लो कि अपनी जो उहदी इंसानियत उहदे ते ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करा लिया। परंतु रौला फिर उत्थे दा उत्थे है ना कि कुछ चीज़ों का जवाब मिलना बड़ा लाजम है कि घट्टो घट्ट कोई मंशा कोई साजिश उहदे पिछे की भावना सारिया चीज़ां साफ ते होण ना एटलीस्ट जी। ते ज़ारा जी गल है कि जदों तक इन्हां चीज़ां दे जवाब नहीं मिलते, हालांकि सवेरे खबर आई कि भनतोड़ होई आ जिहड़ा मुलजम है जिहड़ा फड़िया है इस सारी बेअदबी कांड दा जिम्मेवार तो उहदे घर दी भनतोड़ की गई सी कुछ लोगों वालों, कौन सन पता नहीं हुण। पर दूसरे पासे जे तुसीं वेखोगे तो रोस धरना कराओ तो जिहड़ा लोगों दे विच रोह आ वो उस तरह बरकरार रहा जी। तो मतलब कि ये चीज़ फिर हुण किवें हन्ने बन्ने लगूगी क्योंकि मसला उत्थे दा उत्थे, सवाल उत्थे दा उत्थे है कि वार वार ये क्यों घटनाक्रम वापरदे आ। हुण गल यह कि सरकार जिहड़ी है वो इस धरने नूं रोस प्रदर्शन नूं ना तो फोर्सफुली चुकवा सकती है जी, ना ही वो लम्मा तुरन दे सकती है क्योंकि बेसिकली समस्या फिर आ जाएगी सियासी कि अज ही उन्होंने बादलों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है क्योंकि दो मुद्दों ते यह बहुत डरते आ, एक सिख मुद्दे जिहड़े आ पंथक मुद्दे ते दूसरे किसानी मुद्दे। सरकार यकदम बैकफुट ते चले जाती है, पिछलखुरी हो जाती है। तो हुण उधरों जिमनी चोण दे विच कुछ दिन रह गए ने, कुछ गिणती दे दिन आ। तो जे ये मान लो कोई वड्डा अंदोलन बन जाता है जां एक बहुत वड्डी यह मूवमेंट बन जाती है कल जी सिखां दी, तो उहदे विच क्योंकि ये एक इस तरह का घटनाक्रम है सारा जिहदे विच सिख ही नहीं पंजाब च वसदे गैर सिख भी बहुत ज़्यादा गुस्से च ने जी। तो फिर बहुत औखा हो जाता है क्योंकि हालांकि इन्होंने कोशिश की कि अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी नू एक मतलब कि प्राप्ति दर्शा के क्रेडिट ले यतन वैसे रहिंदा ही है, यतन तो भाई सारियां दा सियासत दे विच। तां इह नाल अज फिर चार्जशीट भी इन्होंने फाइल की है। परंतु गल यह है ना कि जिहड़ा ये सारा कुछ होया वर्तारा जिहड़ा साडे दरपेश आ सामने आ तां उहदे विच सरकार चाहेगी कि किसी ना किसी तरीके नाल एक बारी संगतां दा रोस धरना जिहड़ा खत्म करवाया जाए। तो उहदे च हुण गल इह है कि पुलिस अधिकारी बेशक गल्लां बातां कर रहे ने जाके इस मसले का हल लभ रहे ने, पर एक मौका भी है ना, एक मौका भी है कि सरकार नूं दबाव हेठ लिया के जो कानूनी कोई बदलाव हैगे ने वो करवाए जाण जी। क्योंकि ये केस जिहड़ा वैसे इन्हां ने तां 307 दा केस दर्ज कर दिता है, पर कानूनी जो नुकते निगाह तो वेखोगे इहो जे 307 के केस मुड़ के ठहरते नहीं होंगे क्योंकि उत्थे कोई 4/60 तां किसी नूं वजी नहीं है, 4/60 नहीं वजी। तो जां तां फिर कानूनी तौर पर कोई इस तरह का कानून होवे कि जिवें आपां गुरु साहब नूं हाज़र नाज़र मानते हैं तो उस मुताबक सज़ा होवे, तो उहदे लई तुहानूं बहुत सारे बदलाव करने पैणगे। तो यह है कि हुण संगतां अगे भी मंग कर चुकी हैं हुण भी कि घट्टो घट्ट कानूनी तौर पर सख्त सज़ा तो होवे ना बेहुरमती दी। ते सिख ये डिमांड नहीं करते कि कल्ले साडे धर्म वास्ते लिओ, वो कहते ने किसी की भी बेहुरमती होवे किसी धर्म की, तो सारियां वास्ते एक सख्त सज़ा का प्रबंध होना चाहिए। सो ये हुण मौका भी है, देखो मैनूं लगता है कि सरकार इस पासे भी जरूर सोचेगी जदों भी हुण मतलब कि गलबात बैठ के होएगी तो इस नुक्ते ते जरूर विचार किया जाएगा।